सारी गैंग्स की आपस में काफ़ी दिक्कतें सोसाइटी में आ रही है। कई किस्म के गैंग्स बन गए हैं जो कि तरह तरह से लोगों को परेशान भी करते हैं। उनके आपसी भी झगड़े कई चलते रहते हैं। पीछे करनाल में भी एक गैंगस्टर मारा गया था, तो वो गैंग्स को भी हम आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ़ एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं ताकि इनको इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों का नीचे के कर्मचारियों के साथ पुलिस लाइन के लेवल पे, थाने के लेवल पे ये जाएंगे, उनकी जो समस्या हैं उसको सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छा पुलिस प्रशासन हरियाणा वासियों को दिया जा सके। इसके साथ ही हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि आपके सहयोग से, प्रेस के सहयोग से हमारी जो मुहिम है उस पे उसको सफल बनाया जाए और आपकी कोई भी जो सजेशन है उसको भी हम सुनने को, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम तैयार हैं। इस काम में समय लगेगा, ओवरनाइट अगर आप कहो कि लाइट ऑन कर दें और शुरू हो जाएगा, इट विल ये समय लगेगा, लेकिन हम सिंसियरली इन सभी बिंदुओं पे ईमानदारी के साथ और मेरे सारे अधिकारी काम करने को तैयार हैं। और भी कई इशू हैं लेकिन टाइम टू टाइम हम उस पे कार्रवाई करते रहेंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पुलिस में पुलिस फोर्स की कमी होना। तो 15,000 पुलिस फोर्स की कमी है, तो उसके लिए एक बड़ी अड़चन थी कि हाई कोर्ट से स्टे हो रखा था, तो वो 2 दिन पहले स्टे ख़त्म हो गया है। तो करीब 5,000 सिपाहियों की इंटरव्यू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बड़ी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 30 जून तक हमें 5,000 सिपाही मिल जाएंगे और जल्द हम उनकी ट्रेनिंग करके उनको हम हरियाणा पुलिस के जो हमारी जो कार्य क्षेत्र है उसमें हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा भी 10,000 जो अन्य हमारी पोस्टें हैं उसमें कांस्टेबल के साथ साथ सब इंस्पेक्टर, DSP, उनको भी भरने में हमने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि 30 अप्रैल 2018 तक इन सभी पदों को भर लिया जाएगा। इसके अलावा एक और कमी हमारे यहाँ क्लास फोर्स की रहती है पुलिस थाने, पुलिस चौकियों में, तो उसके लिए भी सरकार ने विचार किया है क्लास फोर भर्ती करने का। तो जो हमारी मैन पावर की कमी है, इसके अलावा करीब 40 पुलिस स्टेशन हमारे टेम्परेरी छोटी चौकियों में और किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, उसको उसके बारे में भी हम पूरी तरह प्रयत्नशील हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 6 महीने में हम उन काफ़ी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बनाएंगे और अगले 1.5 साल में पुलिस स्टेशन में की नई बिल्डिंगें हम पुलिस को जहाँ जहाँ पे भी कमी है उसको